हाँ तो बच्चों, आज देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपका विकास ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी, एक प्रमेय आपके निकल के आती है वृत्त में। वृत्त में प्रमेय, यानी इससे पहले आप लोगों ने सोच सोच के थ्योरिया देखी। थ्योरिया देखने के बाद कुछ सवाल आप लोगों ने देखा, जिसमें से एक प्रमेय निकल के आती है। प्रमेय आपकी यह कहती है, प्रमेय नंबर एक दे देते हैं इसको, कि प्रमेय आपकी यह कहती है कि किसी वृत्त है, कोई वृत्त है, यानी कोई वृत्त है उसकी दो जीवाएं बराबर हैं आपस में। कोई वृत्त है उसकी दो जीवाएं आपस में बराबर हैं, तो वह केंद्र से समान कोण बनाएंगी। अगर मान लेते हैं ये ए आपकी आपकी ए बी जीवा है, यह आपकी बी सी जीवा है, तो वह यहाँ पे एक केंद्र होगा। तो केंद्र पे जो कोण बनेगा वह कोण बराबर होगा इसके द्वारा बनाया गया कोण के। ये आपका केंद्र होगा, यानी आपको सिद्ध करना है कि ई वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। बात हुई क्लियर? तो यानी सबसे पहले कोई चीज़ प्रमेय होती है तो उसको सिद्ध करने के लिए दो तीन बातें लिखी जाती हैं। दो तीन बातें यह लिखा जाता है कि आपको दिया है, फिर आपको रचना या उपपत्ति करते हैं, या उपपत्ति कर लो, नहीं थोड़ी रचना की हो ना, रचना लिख लो। रचना के बाद, यानी पहले तो आपको दिया है, फिर आपके पास रचना आती है, फिर आपके पास उपपत्ति निकल के आती है। पत्ति या तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करने के बाद आप उपपत्ति में कैसे आप उसे सिद्ध करते हो, ठीक ना? तो यहाँ से बात निकल के यह आती है कि सबसे पहले दिया आपको क्या है, ए बी बराबर है सी डी के, सी और डी, ए बी बराबर है सी डी के, ये आपकी क्या है, जीवा है। रचना में आपने किया क्या है कि सी को बिंदु ओ से मिलाया गया, सी को बिंदु ओ से, फिर डी को बिंदु ओ से, फिर एक बात और निकल के आती इधर, ए को बिंदु ओ से, फिर बी को बिंदु ओ से मिलाया गया, ठीक? तो जब इतनी बातें मिलाया गया तो ये आपने अलग से रचना किया है, तो थोड़ा उपपत्ति यानी सिद्ध आपको करना क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, आपको ई वाला कोण बराबर करना है ई वाले कोण के, यानी ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर बताना है सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के, यही आपको सिद्ध करना है। अच्छा, अब आ जाए सिद्ध किया जाता है। सिद्ध यानी उपपत्ति उसी को बोलते हो, क्या बोलते हो, उपपत्ति। यानी यहाँ से यह लाइन निकल के आती है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, ई वाली बराबर भुजा है इस वाली। अच्छा, तो आप उपपत्ति में देख रहे हो कि एक दो त्रिभुज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। जब दो त्रिभुज बन रहे हैं, उन्हीं दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा आपको। सर्वांगसम का अर्थ यह होता है कि आप भुजा को बराबर करोगे तो क्या हो जाएंगे, आप एक प्रमेय पढ़े थे त्रिभुज में कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही बात आप इसमें लागू करना होगा। थोड़ी सी बात क्या करनी होगी कि आपको उपपत्ति में लिखना होगा कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी से, ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी से,
जब सी ओ डी से देखोगे तो आपको दिख क्या रहा है? एक तो आपके पास सी डी बराबर है किसके? ए बी के। कैसे? ये दोनों जीवाएं हैं, या इसी को बोल सकते हो कि दिया है। ठीक। अच्छा, अब आप एक बात और जानते हो कि क्या केंद्र से परिधि की दूरी आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। यानी केंद्र से परिधि की दूरी यह भी है, केंद्र से परिधि की दूरी यह भी है, और केंद्र से परिधि की दूरी यह भी है, केंद्र से परिधि की दूरी यह भी। तो आप बता सकते हो ना कि यह वाली बात पॉइंट लेते हैं तो इधर वाली एक भुजा निकल के आती है, एक वाली यह निकल के आती है। अच्छा, जब इस वाली पॉइंट को ले लोगे, इस वाली पॉइंट को लोगे तो एक भुजा इधर आती है, एक भुजा इधर आती है। यानी यहाँ से यहाँ तक आपकी एक त्रिज्या बनती है, यहाँ से यहाँ तक आपकी एक त्रिज्या बनती है। जब यहाँ से दोनों त्रिज्याएं यानी आर आर बराबर हैं तो यहाँ से आप एक बात और लिख सकते हो। बात क्या लिखोगे? कि एओ बराबर क्या? एओ बराबर डीओ। कैसे? वृत्त की त्रिज्याएं क्या हैं? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अच्छा, एक बात और आप लिख सकते हो यहाँ से, सीओ बराबर बीओ के। सीओ बराबर बीओ के, यह भी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। अच्छा, सर्वांगसा में आप सर्वांग समता में यानी त्रिभुज की सर्वांग समता में आपने तीन चार चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि आपके पास अगर साइड एंगल साइड होता है तब क्या होती है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक होता है एंगल साइड एंगल, तब आपका त्रिभुज सर्वांगसम होता है। एक होता है साइड साइड साइड, तब आपका त्रिभुज सर्वांगसम होता है। एक होता है आपका एप, आप लिख सकते हो आर एच एस वाली। यानी अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तो उसका क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, दो समकोण त्रिभुज की यह दोनों बातें अगर बराबर हैं तो यहाँ से आपके सर्वांग समता का यह चार सूत्र निकल के आता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि यह भी आपकी साइड दिखी, यह भी आपकी साइड दिखी, यह भी आपकी साइड दिखी। तो यहाँ से आप बता सकते हो ना, बता सकते हो यह कि यानी साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? सर्वांगसम है। क्या हैं? साइड 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 से, साइड 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 से त्रिभुज एओबी सर्वांगसम होगा किसके? सीओडी के। सीओडी के। अच्छा, जब सीओडी के सर्वांगसम होगा तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम का अर्थ यही होता है कि अगर त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज समाहित हो जाए तो क्या होता है? वही बात सर्वांगसमता की आती है। अब आप इस त्रिभुज को उठा के इस पे रखोगे तो इसकी यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, इसकी यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप जानते हो ना कि दो बराबर भुजाएं हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है वह भी क्या बनता है? बराबर होता है। यानी यहाँ से जो कोण एओबी निकलेगा, कोण एओबी निकलेगा, वह बराबर होगा किसके? सीओडी से, सीओडी के। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। सर्वांग समता की बात समझ में आई? कि यानी जब इस त्रिभुज को उठा के इस पर रखोगे तो जो कोण यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ बनेगा, वही कोण इसमें भी बनेगा, वही कोण इसमें बनेगा। यानी इसी वाले रूप का एक त्रिभुज यह है तो जो चीज़ इसमें कॉमन मिलेगी वही चीज़ इसमें भी कॉमन मिलेगी। तो सर्वांग समता का यही अर्थ होता है। अतः हम जानते हैं कि अगर साइड 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 से त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। तो यहाँ से जब सभी भुजाएं बराबर हो गईं तो उनके कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए ओ बी बराबर निकलेगा सी ओ डी के। यही आपको क्या करना था? इति सिद्धम। यही आपके पास टॉपिक थी कि प्रमेय नंबर एक थी कि यानी समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। यहाँ से आप एक टॉपिक, यह टॉपिक लिख लेना कि
कि प्रमेय नंबर फर्स्ट क्या है, समान जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र से समान कोण बनाती हैं। यही क्या था, समान जीवाएं केंद्र से समान कोण बनाती हैं, तो आपने सिद्ध किया। तो मिलते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।